आपसे जानना चाहूंगा, पहले कांग्रेस बोलती थी कि प्रियंका जी इलेक्शन नहीं लड़ेगी और राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, और अब जैसे जैसे 2019 के इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं तो उन्होंने प्रियंका जी को पेश करा कि अब ये लड़ेंगी इलेक्शन और ये सारी उसको संचालन करेंगी, तो क्या लगता है प्रियंका जी का आने से देश के ऊपर और राजनीति के ऊपर या अदर पार्टीज के ऊपर, ये जो गठबंधन हो रहा है इसके ऊपर क्या रहेगा, क्या इसका एनालिसिस है आपका प्रियंका जी का? इस बात में दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है प्रियंका गांधी को राजनीतिक पटल पर ला करके। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ सपा और बसपा का, ये ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि डेफिनेटली ये जो गठबंधन है रिजल्ट देगा, और मैं भी सहमत हूं इस बात से, अंकगणित है, रिजल्ट आएंगे, नो डाउट रिजल्ट आएंगे। लेकिन मरी हुई कांग्रेस में अगर प्रियंका के आने से जान पड़ गई तो जानते हो क्या होगा? अब थोड़ा गहराई में जाओ और थोड़ा समझना, बीएसपी का जो वोटर है वो कौन है? एससी समाज, दलित, दूसरा मुसलमान और तीसरा ब्राह्मण। और गहराई से सोचो, कांग्रेस का भी तो यही वोटर है, हमेशा से कांग्रेस का यही वोटर रहा। अगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की वजह से सांस लेना शुरू कर दिया तो मुझे ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कहीं ना कहीं ये मदद बीजेपी की हो जाएगी। और क्योंकि उदाहरण देके बताता हूं ऐसा क्यों हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी के साथ लगभग 3 बार मिलकर सरकार बनाई थी, जिसकी वजह से मुसलमान नाराज हुआ था। 2002 में गुजरात में गोधरा कांड हुआ, मुसलमानों की बहन बेटियों को जिंदा काटा गया, मारा गया, पीटा गया, जलाया गया। तो उसके बाद जो चुनाव हुए तो बसपा सुप्रीमो मोदी के साथ मंच पर थी, मोदी का प्रचार किया, बीजेपी का प्रचार किया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि जो मुस्लिम समाज है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया। अच्छा, मैं ये इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि जमीन पे मैं काम कर रहा हूं, अगर मेरी आवाज बसपा के नेता सुन रहे हैं तो इसको एक फीडबैक के रूप में लें और मुसलमानों को एकजुट करने का काम करें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं जो है पार्टी के खिलाफ बात कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये चल रहा है जमीन पर। तो वो लोग नाराज हैं, तो जब नाराज हो रहे हैं तो फिर वो कहां जाएंगे? वो चले जाएंगे समाजवादी पार्टी के पास। लेकिन समाजवादी पार्टी का गठबंधन किसके साथ है? बीएसपी के साथ। तो अब मुसलमान फिर नाराज हो जाएगा कि यार इसने तो फिर जो है बसपा के साथ संगठन कर रखा है, तो अब वो कहां जाएगा? बीजेपी के पास जाएगा नहीं, तो सीधा कहां जाएगा? वो कांग्रेस के पास जाएगा। अगर कांग्रेस के पास मुस्लिम जाता है तो गठबंधन की सीटें कमजोर होंगी। अगर गठबंधन कमजोर होता है, कांग्रेस जिंदी हो या ना हो, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को मिल जाएगा। और बीजेपी इंतजार कर रही है किसी तरह से उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ समीकरण बने। इसलिए आप देख लो वो बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया कर भी नहीं रहे, वो मौन है और जो है काम कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी के आने से नुकसान। और हां, अगर गठबंधन कांग्रेस को साथ ले ले, अगर गठबंधन कांग्रेस को साथ ले ले तो मैं दावे से कह रहा हूं बीजेपी का सफाया हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। 2-4-5 सीट से ज्यादा कुछ नहीं आने वाली अगर गठबंधन में कांग्रेस भी आ जाए उत्तर प्रदेश में, तो रिजल्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो क्या फायदा अलग अलग लड़ने से, जब महागठबंधन है ही, तो सपा बसपा के साथ साथ आरएलडी आपके साथ है ही, राष्ट्रीय लोकदल प्लस कांग्रेस भी ले लो, कुछ सीटें कांग्रेस को दो और मिलकर चुनाव लड़ो, तो यकीनन आप सब मिलकर बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। अन्यथा बीजेपी को ऑक्सीजन देने का काम कांग्रेस ने ही कर दिया है प्रियंका गांधी को ला करके।